अस्सलामुअलैकुम, वेलकम माई यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं अभी जा रही थी और सोचा कि बता दूं मैं आज क्या वेयर करने लगी हूँ। ये ड्रेस मैं पहले भी पहन चुकी हूँ, मतलब लाइक कोट सेट मैं पहले भी पहन चुकी हूँ। मैं यहाँ पर पिक्चर लगा दूंगी कि ये अब मैं आज इसको एकदम डिफरेंट स्टाइल में पहनने वाली हूँ। इसको कि ये लगेगा नहीं कि ये वही कोट सेट है। तो बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आप एक ड्रेस को डिफरेंट वे में भी पहन सकते हो। कभी ट्राउजर चेंज कर लिया, कभी दुपट्टा चेंज कर लिया, ऐसा नहीं है। मैंने बहुत सी लड़कियां ये देखी हैं कि वो कहती हैं हम सिर्फ एक बार के बाद दोबारा पहन नहीं सकते ड्रेस। तो भाई ड्रेस लिया है, पैसों से लिया है, तो दो तीन मतलब आपको मैं डिफरेंट वे में पहन सकती हूँ। पहले मैंने पहना, मैंने आपको दिखाया, आज मैं पहन रही हूँ इसको इस तरह। ये पहले मैं निकल गई हूँ घर से, अब आपको बताती हूँ कि मैं कहाँ जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ नीची गाला, यानी कुछ मेला टाइप का लगा हुआ है, जहाँ तमाम वो लड़कियाँ जो होम बेस्ड अपना पेज भी चला रही है और होम बेस्ड काम कर रही है। तो मैं वो सारे कवर करूँगी और आपको मोटिवेट, एक्चुअली मेरी जो वीडियो है ना, ये मोटिवेशन है आप लोगों के लिए कि आप लोग मोटिवेट हो सको। वरना सपोर्ट करने का बड़ा शौक है कि मैं जाऊँ और उन लोगों को उनकी स्टॉल की वीडियोस लूँ ताकि अपने इंस्टा में भी लगाऊँ। और सबसे मज़े की बात मैं आपको ये बता दूँ, मेन चीज़ मेरा यूट्यूब चैनल में जितनी भी तमाम लड़कियाँ जो मुझे रिक्वेस्ट कर रही होती हैं हम क्या करें क्या करें, तो उनके लिए भी ये मैंने वीडियो बनाने के लिए वहाँ जा रही हूँ स्पेशली आप लोगों के लिए। तो आप लोगों ने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, पूरा एंड तक देखना है। और मैं कोशिश करूँगी कि उनके जो पेज है ना उसको देखते हुए वीडियो बनाऊँ। अच्छा, इत्तेफाक से मुझे इन्विटेशन आया, वैसे मेरा था नहीं प्लान, मुझे पता नहीं था प्लान। एक लड़की ने मुझे इनवाइट किया, बड़ी अच्छी बंदी है वो, इंस्टाग्राम से मुझे फॉलो कर रही है। तो उन्होंने बड़े प्यार से मुझे इनविटेशन दिया, मेरा कोई प्लान नहीं था ना, मुझे पता था कि इस तरह को कोई वो लग रहा है। तो उन्होंने बोला नहीं आप आएंगी तो हमें अच्छा लगेगा। वो पहले भी मुझे इस तरह का इन्विटेशन दे चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मैं ऐसी जगह पर जाऊँ और लड़कियों को सपोर्ट करूँ जो घर बैठे बैठे कुछ करना चाहती है, और उन्हें यूट्यूब पर भी दिखाऊँ, यूट्यूब वाले भी देखें अब यहाँ कितनी अच्छी लाइट आ रही है। That's lighting. I love sunlight. मुझे sunlight के ऊपर मेकअप करना और sunlight के ऊपर वीडियोज़ बनाना बड़ा अच्छा लगता है। खैर, मैंने फ़ोन पे ही मैसेज किया सादिया को, मेरी दोस्त है बहुत अच्छी सादिया। मेरे दिमाग में एकदम से वो आई क्योंकि मैं अकेले जाऊँगी तो वो मज़ा नहीं आता, दोस्त होता है ना साथ तो मज़ा आता है। तो मैंने सादिया को मैसेज किया, मेरे दिमाग में एकदम से वो आई ना, बड़ी अच्छी बंदी है। आप पहले भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ, लेकिन अभी मैं स्टिल मेरी वीडियो में वही आपको नजर आएगी सादिया। तो मैंने उसको मैसेज किया भाई फ्री हो संडे चलना है, तो फौरन उसकी, मुझे ये आदत इतनी अच्छी लगती है ना कि वो फौरन एग्री हो जाती है बिना डन हो गया, मतलब वो कभी मुझे मना नहीं करती है। और मैं इतना लकी फील करती हूँ अपने आप को कि मुझे अपने कॉलेज लाइफ में, अपने स्कूल लाइफ में इतने अच्छे दोस्त नहीं मिले बिल्कुल नहीं मिले, जितने अच्छे फ्रेंड्स मुझे मिले सोशल मीडिया में मिल गए। सुमाना मुझे बहुत अच्छी मिल गई, सादिया मुझे बहुत अच्छी मिल गई है। तो सोशल प्लेटफॉर्म में मुझे ये दोनों बहुत अच्छी, अब तक की मेरी वैसे सबसे अच्छी बातचीत है, लेकिन एज अ फ्रेंड जो जिनसे मैं बोल देती हूँ भाई ऐसा करना है, तो वो ये दो है। तो सादिया एकदम से मेरे माइंड में आई, मैंने कहा ये बंदी फौरन मुझे ना नहीं करेगी, बहाने नहीं लगाएगी, इसको मैं बोलती हूँ। तो शी सेड ओके डन। तो अभी हम जा रहे हैं, वो पहुँच चुकी है और मैं लेट हूँ, वो पहुंच चुकी, उसका फोन आया, मैं पहुंच चुकी बिना, आप किधर है? मैं कहा मैं तो हमेशा किधर ना, तुम्हें पता है मैं लेट हो जाती हूँ। खैर अभी वहाँ चलते हैं, आगे ब्लॉग में वहीं कंटिन्यू करती हूँ। जो लोग कराची में रहते हैं उनको मैं बता दूँ, हैबिट जो टीपी सुल्तान पे उधर ही लगता है अक्सर इस तरह की गाला टाइप के ना, लाइक मेला टाइप का ना, तो चाय छत की तरफ, अगर आपको इन शॉर्ट बताऊँ चाय छत है तो वहाँ पर इस तरह का लगा हुआ था। और हैबिट में आकर ना इतने अच्छे अच्छे मैंने यहाँ पर शो पीस, इतने अच्छे अच्छे मैंने फर्नीचर देखे ना, मुझे होम डेकोर का बड़ा शौक है, तो देख के मेरी आँखें हो जाती हैं कि बस रुक जाओ देख लूँ। खैर यहाँ का मैं इन्वायरमेंट आपको दिखा रही हूँ। अच्छा, मैं स्पेशली इस तरह की जगह पर मैं इसलिए भी जाती हूँ क्योंकि मुझे मेंटली रिलैक्स मिलता है, यानी मेरी एक थेरेपी है माइंड की, कि घर से हट के थोड़े कामों से हट के यहाँ जाऊँ, थोड़ा लोगों से देखूँ। तो आप अगर थोड़े से स्ट्रेस ज़्यादा लेते हो, एंजाइटी ज़्यादा होती है, तो आपको मैं कहूँगी इस तरह के गाला ना, जो फ्री एंट्री है, आप लोग को एंट्री नहीं देनी, आप यहाँ आओ देखो कि किस तरह के लोग क्या क्या काम कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं कि जाओ तो कुछ खरीदना है, मैंने कुछ नहीं खरीदा, मैंने कुछ खाने के मूड से नहीं कि मैं कुछ खाऊँगी मैं कुछ खरीदूँगी, जस्ट तैयार हुई, इनविटेशन आ गया, मौका मिल के जाने का, तैयार हुई और निकल गई, सादे को फ़ोन किया, दोस्त को फ़ोन किया, निकल गई। इससे क्या होता है, मुझे ना मेंटली जो इतना स्ट्रेस घर के काम, मतलब ज़िंदगी की जो चीज़ें चल रही होती है ना, उससे मुझे थोड़ी सी थेरेपी मिलती है। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ पर जाऊँ और आप लोगों को ये दिखाऊँ कि आप अब ये देखें ये कितनी हार्ड वर्किंग होगी वुमेंस जो ये बैठ के यहाँ पर स्टॉल लगाया हुआ इन्होंने और अपनी इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें इन लोग सेल कर रहे हैं। और इनको देख के मुझे ये ज़रूर मोटिवेशन मिली है कि मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द इस तरह का स्टॉल मैं अपना भी लगाऊंगी, जिसमें मेरी बहन की जो वो टॉट बैग्स वगैरह बनाती है ना हैंडमेड,
वो होंगे और मेरे खुद के डिज़ाइन किए हुए सिले द सीज़न का वो होगा। मेरा इंशाल्लाह प्लान है ये जुलिया, मुझे जो जो चीज़ मुझे बहुत आउटस्टैंडिंग लग रही थी ना, मैं उठा के वो आपको दिखा रही हूँ ताकि आप लोग देख लें। और मैंने इन सब से काट लिया, ठीक है। इनको नहीं पता मैं कोई ब्लॉगर हूँ, इनको नहीं पता मैं यूट्यूबर हूँ, ना ही मैंने किसी भी स्टॉल में जाके ये बोला मैं ब्लॉगर हूँ मैं यूट्यूबर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। क्योंकि जस्ट मेरा फोकस था कि मैं इनके काम को आप लोगों तक पहुँचाऊँ और आपको मोटिवेट करूँ। अगर आप कुछ करना चाहते हो ना लाइफ में और कुछ चीज़ आप, अगर आपको कोई हुनर नहीं है कुछ भी नहीं और इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो इस तरह के ज्वेलरीज, इस तरह के हैंडबैग्स, इन तरह के ड्रेसेस वगैरह पर इन्वेस्ट कर लो और इस तरह के स्टॉल्स वगैरह लगाओ कि आपकी सेल होती ही होती है। अच्छा, इनका काम मुझे सबसे अच्छा लगा, इन्होंने टिक कर देता है हर एक प्राइस को, बार बार पूछना नहीं पड़ रहा था। तो जो भी स्टॉल लगा रहे हैं अगर ये वीडियो किसी के सामने जाती है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि इस तरह के टैग लगाने से ना फ़ायदा ये होता है कि मैं जैसे उठा रही थी वीडियोस बना रही थी, मुझे उनसे उनको बार बार डिस्टर्ब करना नहीं पड़ता इसकी क्या प्राइस है, इसके क्या प्राइस है। भाई प्राइस लिख दो आप, क्योंकि बार्गेनिंग वाला तो सीन होता नहीं है, तो आप प्राइस लिख दो। अच्छा, आपको मैं कहूँगी नमाज की चादर प्लीज़, ये इतनी आपकी लाइफ चेंजिंग करती है ना। आपके पास अगर नहीं है ना तो इस पेज से ज़रूर बाय करें। इन्होंने मुझे नहीं कहा, मैं खुद से आपसे कह रही हूँ क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है। नमाज की चादर से जब आप नमाज पढ़ते हो ना आपको इतना सुकून मिलता है ना, क्योंकि आपको पता पूरी फुली अप कवर हो, आप पे कोई तकना नज़र नहीं आ रहा, आप पे कोई शॉर्ट शर्ट है, लॉन्ग शर्ट है, वट एवर कुछ भी आपका है ना, कि आप अल्लाह के सामने जा रहे हो तो एक अच्छे से इसमें आपने नमाज की चादर पहन ली है और आप आपको पता है कि आप प्रॉपर खड़े हो अल्लाह ताला के सामने। तो ज़रूर आप नमाज की चादर लो। और जब से मैंने नमाज की चादर ली भी ना, मैं और किसी दुपट्टे में नॉर्मल दुपट्टे में पढ़ ही नहीं सकती नमाज, ऐसा लगता है अजीब सा। मेरे कहने पे आई बेचारी, हाय हाय, इतनी बेटी को देख रहे भी आया। देखिए इन्होंने भी टैग किया हुआ, तो इस तरह के टैग किए हुए थे, मुझे टेंशन नहीं हो रही थी। मैं जस्ट वीडियो बना रही थी, उनकी प्राइस दिखा रही थी ताकि जो भी देख रहा हो ये वीडियो तो उनको उनको ईजिली पता हो कि ये पेज है। अच्छा, कार्ट जो मैं आपको शो कर रही हूँ ना, वो नाम लिख के इंस्टाग्राम में आप सर्च करोगे ईजिली आपको आ जाएगा। वीडियो को स्टॉप करो, स्क्रीन शॉट ले लो, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है, अगर आप बाय करना चाहते हो तो आप जाके बाय कर सकते हो। ये सारा ना इंडियन चुंदरी, इंडियन साड़ी वगैरह थी, बड़ा अच्छा लगा मुझे ट्रेडिशनल इंडियंस का, तो मैंने कहा इसलिए भी इसका शूट करूँ। और अगर आप चाहते हो कि आपको स्किन के कुछ बारे में पता हो तो आप इस तरह के स्किन केयर का भी ब्रांड निकाल सकते हो, अगर आपको स्किन की नॉलेज है तो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं खोलने के लिए, बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, इस तरह मोटिवेट हो सकते हो, इस तरह के स्टॉल लगा सकते हो। आप सिर्फ कुछ नहीं, एक दिन के लिए अगर आप फूड स्टॉल लगाना चाहते हो या कुछ और स्टॉल लगाना चाहते हो आप वो भी लगा सकते हो। यहाँ पर आप किसी से कॉन्टैक्ट करो, फूड स्टॉल में काफ़ी अच्छा खासा वही आपका एक दिन में अर्न हो जाता है। आपके स्टॉल के कितने पैसे लगेंगे, 10,000 से 12,000, 15,000, और आप कमाओगे कितना अच्छा। तो इससे हम वुमेन तो बड़ा अच्छा खाना शाना बना लेती है। तो आपको आइडियाज़ दे रही हूँ ताकि मैं भी सोच रही हूँ इस तरह का ना, अब मैं सोच रही हूँ तो आप लोग भी सोचो। तो ये बैग मुझे बहुत प्यारा लगा था, जो स्टोन वाला बैग था, आउटस्टैंडिंग बैग। तो बस आप बताएं कौन कौन इस तरह का गाला में अपना स्टॉल लगाने वाला, जल्दी से मुझे बताएगा। अच्छा, अक्सर मुझे स्कार्फ का पूछते, देखें यही वही स्कार्फ मटेरियल रखा हुआ जो स्कार्फ मैं अक्सर वेयर करती हूँ। कार्ड मैंने दिखाया था, आप स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेके आप इंस्टाग्राम में जाके देख सकते हो। और ये इतना अच्छा मुझे ग्लास लगे थे ना, मैंने इसमें भी देखे प्राइस टैग हुए हैं, तो इट्स गुड कि आप प्राइस टैग करो प्लीज़, ताकि आसानी हो लोगों को भी। इतना ज़्यादा इतना रश था ना, इतने रश में ये कितने का है वो कितने का है, तो ये अच्छा नहीं लग रहा होता, पर सुन भी नहीं रहे होते, रश ज़्यादा होता, तो टैगिंग लगी होगी तो आसानी होगी आपको हर पूछने में। मैं ये नोट कर रही थी पूरी अभी वीडियो शूट करते हुए, पूरे गाला में मैंने अपने ग्लासेस नहीं उतारे, मेरी नाक से फाउंडेशन उतर जाते लेकिन मेरे ग्लासेस नहीं उतरते। आई लव ग्लासेस, यानी मुझे शेड्स इतने पसंद है ना कि बस मुझे पूरे उसमें ये बना दो। और ये इतने अच्छे थे ना इयररिंग्स, 4,500 के पड़े, जगह की रौनक बढ़ रही थी, मतलब इतना अच्छा लोग आ रहे हैं देख रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल लगाए हुए थे, बहुत प्यारे प्यारे स्टॉल लगाए हुए थे। और ये वाला स्टॉल मुझे इतना कोई खूबसूरत लगा था ना, क्योंकि यहाँ पर सारी हैंडमेड चीज़ें थी, यानी कितनी मेहनत से इन दो प्यारी प्यारी लड़कियों ने ये चीज़ें बनाई हुई थी, इसलिए मैंने इनको ज़्यादा करीब से बनाया ताकि मैं आपको करीब से दिखा सकूं। जिसको इस तरह के हुनर्स आते हैं ना वो भी इस तरह के स्टॉल्स लगा सकते हैं। और ये रिबन से फ्लावर्स लगे, लेकिन लग रहे रिबन से,
रियल लग रहे थे, रियल तो मुरझा जाते हैं, लेकिन इन्होंने रिबन से बनाया हुआ था। आप इस तरह डेकोर कर सकते हो अपने रूम को ना, लाइक साइड पर रख दिया, दूर से ऐसा लगेगा रियल, बट वो रियल नहीं होते। और ये वाली फ्रेम मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, एकदम से मुझे अपनी बहन याद आई थी, वो ये वाला काम बहुत अच्छा करती है। तो मैंने कहा एकदम से ना कोई चीज़ देखते किसी की याद आ जाना, तो यहाँ मुझे अपनी बहन याद आई। और बहुत ही कोई क्यूट मुझे ये स्टॉल लगाना, मतलब वाओ आउटस्टैंडिंग। आप इनका पेज जाके चेक कर सकते हो। और इस तरह के मैं आपको ये भी दिखा रही हूँ, ये क्या 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 काम होता है, इसको शायद हैंडवर्क करते हैं, इसको जो भी कहते हैं। मैंने वो भी जो जो मुझे चीज़ अच्छी अच्छी लग रही थी ना, वैसे मैंने कोशिश करी कि वहाँ सारे स्टॉल मैं कवर कर सकूँ, लेकिन रश ऐसे ऐसा बढ़ रहा था। और अच्छा हुआ मैंने पहले ही पिक्चर्स वगैरह ले ली, क्योंकि मुझे पता है ना जब रश बढ़ जाता है तो आप पिक्चर्स वगैरह फिर रश में कहाँ अच्छी आती। तो मैंने जाते साथ ही पहले पिक्चर्स ली थी, फिर जाके मैंने इन स्टॉल को सारे कवर करने लगी, ताकि इनकी भी आराम से ईजी, जो मेरा मकसद था कि मैं वहाँ आऊँ, इन लोगों को सपोर्ट करूँ, इन लोगों के बारे में आप लोगों तक पहुँचाऊँ, ताकि आप लोगों को भी पता चले कि कितनी सारी लड़कियाँ ये पेजेस हैं, क्योंकि वहाँ खड़े होके स्टिल खड़े होकर ये लोग कब से खड़े होंगे अपने स्टॉल के साथ। और यहाँ पर जब आप इस तरह के स्टॉल पर जाओ ना, जरूर कुछ ना कुछ बाय कर लिया करो, ताकि इनका भी फायदा हो। अभी आपके लिए लिया है। अब हमें रूम में लगा लीजिएगा, बहुत प्यारा लगेगा। इधर करें, यूं करें ना, ऐसे करके दिखाएं जी। अब आप बोलें क्या इनकी खासियत है इन चीजों। मैम बेसिकली ये जापानीज कल्चर है, जापानीज टी है, ग्रीन टी लीव से ये दोबारा से जी। बेसिकली एक जैपनीज टी है, जो हम जैपनीज कल्चर को हम यहाँ पर पाकिस्तान में हमने इसको लॉन्च किया है। और इसके बेनिफिट्स मैं आपको बता दूँ, इसके बेनिफिट्स जो हैं वो आपके लीवर के लिए बहुत अच्छा है मैम, ये आपके स्किन के लिए, आपके माइंड स्ट्रेस के लिए, माइंड क्लैरिटी के लिए, आपके स्टमक के लिए। और बेसिकली जो प्रोडक्ट है, हम इसको बेसिकली जापान से हमने खुद इम्पोर्ट किया, और एक मल्टी ब्रांड है, और एक मल्टी ब्रांड है जिसको हम पाकिस्तान में वी आर फर्स्ट वन कराची जिसको हमने इसको लॉन्च किया है। और हमारी बुखारी लेन 5 में इसकी हमारी आउटलेट है, अपोजिट ऑफ लुलू सर। और हमारी सेकंड आउटलेट भी है जो हम फेज 8 में। कोई कार्ड है पर ये कार्ड नहीं, तो आप लोग सर्च भी करोगे तो पता चल जाएगा। हमारा इंस्टाग्राम पे पेज है मैम, जापानीज टी, आप हमारे पे पेज पे विजिट करते हैं मैम। ये देखिए, ये पूरा मिक्स करते हैं, देखेंगे आप। Okay. तो ये मल्टी, आप कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री भी जाएंगे तो आउट ऑफ कंट्री में भी वो कल्चर को फॉलो नहीं किया गया जो हमने इसको लाइफ कॉन्सेप्ट को लेकर, जिस तरीके से जापान में ड्रिंक बनती है सेम ड्रिंक हम इसको यहाँ पर बना रहे हैं। तो हमारा मेन ऑब्जेक्ट, मेन एम ही यही है कि लोगों को एक इसकी अवेयरनेस मिले और इसका जो इसके एडवांटेज है वो लोगों को हम उसको डाइवर्ट कर सकें। थैंक यू सो मच। बहुत रिक्वेस्ट की थी कि आप यूट्यूबर हैं, आप प्लीज़ मेरी वीडियो को चला दें, मेरी वीडियो को अपनी इस वीडियो पे ऐड करें। तो मैंने कहा जब कोई मुझे रिक्वेस्ट करता है ना, चाहे वो कोई भी हो, मैं उनकी रिक्वेस्ट जितना हो सके मैं पूरी कर सकूँ। मुझे बचपन से ना किचन जमा करने का ना बड़ा शौक था, और ये किचन मुझे इतनी अच्छी लग रही थी ना, मैंने कहा बस मैं ले लूँ, मैं नहीं लूँ, बच्ची हूँ क्या मैं जो किचन लूँ। लेकिन मेरे बैग्स में ना, मेरे हैंड बैग्स में, मेरे बैग्स में इस तरह की किचन बहुत हुआ करती थी। अच्छा, ये वाला मुझे इतना कोई हसीन, इतना कोई अच्छा काम लगा, मतलब मैं ही सोच रही थी कितने अच्छे अच्छे हुनर है। माशाल्लाह माशाल्लाह, हम लड़कियां कितनी इंटेलिजेंट है, कितना अच्छा कुछ कर लेती हैं। मतलब मुझे बहुत ही कोई हसीन लगा ये पेज। कार्ड भी दिखा देती हूँ आगे, ताकि आप इंस्टाग्राम में सर्च करना चाहो, मतलब ये घर में, तो मैंने इसको इंशाल्लाह जल्द से जल्द ऑर्डर करना। और ये देखें आप, रियल लग रहा है, बहुत माशाल्लाह काम अच्छा है, बहुत प्यारा है, वेरी नाइस। ये भी दूर से पहले तुम खाओ, मैं तुम्हें शक्ल देखूंगी खाते हुए कैसी लग रही, ताकि मैं देख सकूँ कि गिर ना जाए। नहीं नहीं, आई हाय, पूरा मुंह में डालते हैं क्या? पूरा पूरा खा लो। ये कैसे खाना है, ऐसे को खाते हैं क्या? गरम भी बहुत हो रहा है। हाँ, टेस्ट में कैसा है? अच्छा, एक्टिंग नहीं सही। ट्रू, अच्छा, नॉट बैड, नॉट नो। और बता, आप सब पहले तो ट्राई करो। तो अब बताना था नहीं कैसा है? कहाँ से अभी तो वो आई नहीं रहा हाथ में। हाँ, ऐसे आएगा। इसमें सॉस में, सॉस 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 में लगाओ, खूब डिप कर दो। तो यहाँ मैं खाऊंगी चाट एज यूजली, घर में भी चाट, बाहर भी चाट, वो भी बड़ी सादिया के फोर्स पे, खाओ 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 खाओ, मतलब कि मेरा कोई प्लान नहीं था, लेकिन सादिया की बच्ची ना बस उसको खाना था, तो ज़बरदस्ती उसने मुझे भी चकाने में लग दिया। मैं चलो ठीक है, तमीज़ी है सादिया। नहीं नहीं, कोई नहीं, छोटी छोटी चीज़ें वो की जाती है।
जी लड़की हो तुम लड़की, ये क्या बात है। हाँ चलो खाओ खाओ, एक एक बारी में पूरा मुंह खोलना है, खोलो यार। ये लो साथी। बस हो गया, मनीषा का प्रोग्राम तो बढ़ गया। चलो तुम्हारे बेटे का आ जाओ, सबका बनेगा बेटा, सबका शॉट बनेगा, तुम्हारा शॉट बनेगा, कैमरा बनाओ। लो मैं एक ही बारी में खा के दिखाऊंगी, तो गिरेगा भी नहीं। किस्तों में खाया है? मैंने किस्तों में खाया, गिरेगा भी नहीं। एक्सपर्ट। तो जी ये आई है। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा मुझे पता नहीं था आप आओगे, तो ये देखते हैं कि ये वन शॉट में खाती कि नहीं खाती। मैंने इनको पकड़ा, मैंने बोला अभी खा। ये क्या तरीका है, इन्होंने तो पहले उसको बेचारे को डुबो दिया। सबसे अच्छा मैंने खाया था, तुम ऐसे करके खाओ। चलो खा के दिखाओ। ये सही नहीं है, ये ना ये कह रहा है मुझे मत खाओ। नहीं जाएगा, बड़ा मुंह बोलो, नहीं जाएगा। इतने आराम से आप गोल गप्पे खा रही है मेरे ख्याल से, इतनी आराम से मजे का है। खा दिया क्यों नहीं लाए, मिला ग्लासेस चोरी। यूट्यूब की वीडियो है ये, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अच्छी लगी होगी तो आपको पता है आप लोगों ने क्या करना है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो में बनाऊं आप लोगों के लिए इस तरह के लिए। अल्लाह हाफिज़।